हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ, ज्योतिष क्रिएटिविटी से। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? लॉकडाउन में अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। बहुत आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, घर पे ही रह रहे होंगे, सेफ रह रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, एक सुंदर सा कॉस्मोस का फ्लावर है। देखिए कितना सुंदर ब्राइट सनशाइन येलो कलर का है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं इसी के बारे में आप लोग को बताने वाली हूँ कि समर में इसको कैसे केयर करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो कॉस्मोस सारे साल खिलता है, ये एक एनुअल फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन विंटर का प्लांट फ्लावर तो सेम ही होता है, पर विंटर के कॉस्मोस का लीफ थोड़ा अलग होता है। मैं दिखाती हूँ कि उसका लीफ कैसा होता है, विंटर वाला कॉस्मोस का। ये देखिए, ये मेरा विंटर कॉस्मोस है जो कि अच्छे से फ्लावरिंग करने के बाद अब ये जा रहा है। तो इसकी पत्तियाँ देखिए इस तरह से होती हैं, ऐसे पतली पतली, एकदम पतली पतली सी। और समर के कॉस्मोस का अलग होता है उसका लीफ, पर फ्लावर एकदम सेम होता है। ठीक है, मैं अभी आपको समर के कॉस्मोस को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये समर के कॉस्मोस का लीफ है। थोड़ा कैसा मैं बोलूँ, जैसे कि विंटर का लीफ अभी आपने देखा पतली पतली सी, ये थोड़े फैले फैले ऐसे हैं, लेकिन फ्लावर में कोई अंतर नहीं है, फ्लावर बिल्कुल भी वैसे ही है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे विंटर वाला कॉस्मोस और समर वाला कॉस्मोस में क्या अंतर है। विंटर के कॉस्मोस की लीफ थोड़ी डिफरेंट होती है समर के कॉस्मोस से, और ये कई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आती है। जैसे कि विंटर के कॉस्मोस में मैंने तो जो देखा है, जैसे पिंक और वाइट, ये दोनों मैंने लगाया था विंटर में, और समर में दो कलर मैंने देखा है, और मैं वही कलर जनरली लगाती हूँ, मार्केट में इजीली वही मिलता है, येलो और ऑरेंज। तो ऑरेंज तो मुझे नहीं मिला, ऑरेंज ये येलो मिला है, ऑरेंज का नहीं मिला। तो ये समर में ये दो कलर अवेलेबल होते हैं और विंटर में वो दो कलर, पिंक और वाइट। तो आप अच्छे से जान गए डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है एकदम लो मेंटेनेंस वाला, इसको ज़्यादा केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इसको ज़्यादा केयर करते हैं तो ही ये प्लांट ख़राब हो जाता है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है ये बिल्कुल ही लो केयर वाला प्लांट है। जैसे आप लोग को ज़्यादा केयर नहीं करना है और कलर ऐड करना है, बिगनर्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग गर्मी में ज़रूर इसको लगाएं, ये आपके गार्डन को एक बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रदान करता है और ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। बस इसको जब आप मिट्टी तैयार करें तो ये, वैसे तो कोई भी पुअर से पुअर सॉइल में ये चल जाता है, लेकिन हम गार्डनर्स जब कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसकी खास केयर करते हैं। तो एक हिस्सा मिट्टी लीजिए और एक हिस्सा बर्मी कंपोस्ट का लीजिए और एक हिस्सा रेत का लीजिए, वेल ड्रेन सॉइल इसको प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी सरवाइव कर जाता है, ये एक बहुत हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट, यही इसका खासियत है। ज़्यादा देखभाल करिए तो ये ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। ये एनुअल प्लांट है, ये हर ऑल सीजन आप इसको लगा सकते हैं। एक बार लगा दीजिए तो ये फूलों से भर जाता है। देखिए ये मेरा कैसे फूलों से भर गया है। समर में ये बहुत अच्छा आपके गार्डन को लुक देता है, विंटर में तो हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन रहता है, पर समर में हम लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। और इसकी एक और खासियत है कि ये पॉलिनेटर को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी सब्जी वगैरह लगाते हैं तो उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया तेज करवाने के लिए लौकी वगैरह, तोरई, वो सब लगाते हैं, तो उसके आसपास अगर हम लोग कॉस्मोस का प्लांट रख दें तो काफ़ी अच्छे से पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये पॉलिनेटर इंसेक्ट वगैरह को बहुत अट्रैक्ट करते हैं इसके ब्राइट कलर की वजह से। ये इसको हम लोग
मिट्टी की बात तो मैंने बताई, सनलाइट की बात चलिए बता देती हूँ। ये फुल डे सन में रहने वाला प्लांट है और सारा दिन इसको आप धूप में रख सकते हैं, क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट है, समर में अच्छे से चलता है। और प्रोपेगेशन की बात करें तो ये सीड से बहुत अच्छे से प्रोपेगेट होता है। जैसे कि ये फूल झड़ गए हैं, तो ये देखिए ये सीड पॉट बनने लगा है। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका सीड है, ये इसका सीड है। अगर ये ड्राई हो जाए तो ब्लैक कलर का इसका सीड निकलता है। देखिए मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अच्छे से इसको सूख जाना चाहिए तभी ये देखिए ये सीड है इसका। अभी ये ग्रीन है, लेकिन जब ये सूख जाता है तो ये ऐसे मिट्टी में गिरते रहता है और खुद ही प्रोपेगेट होते रहता है। तो इस तरह से ये एनुअल हो जाता है। और प्लांट को भूसी बनाने के लिए, जैसे ये फूल अभी ये झड़ गया, तो हम लोग को यहाँ से ऐसे कट कर देना है, इन सबको कट कर देना है। तो यहाँ से न्यू सूट निकलेंगे तो प्लांट हमारा भूसी बनेगा। और पिंचिंग करते रहना है अगर सीड नहीं चाहिए तो। तो मैं भी, मेरे भी बहुत सारे फ्लावर्स झड़ गए हैं, तो मुझे भी पिंचिंग करनी है, तो मैं पिंचिंग करूँगी। और सूखे डेड हेडिंग करते रहना है जब सीड नहीं चाहिए। और अगर हम लोग सीड बनने के लिए छोड़ देंगे तो फिर वही प्लांट सोचेगा कि अब मेरा दिन पूरा हो गया है, तो अब सीड ही बनाना है, फिर फ्लावरिंग नहीं करना है। और तो इस तरह से सीड पॉट बनने मत दीजिए और पिंचिंग करते रहिए, तो उससे प्लांट आपका भूसी भी होगा और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगा। तो मैंने आपको, अच्छा, फर्टिलाइज़र की बात रह गई है। तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेंगे तो फिर फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाएगा और फ्लावर बहुत कम आएगा, फ्लावरिंग कम कर देगा प्लांट। तो इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत दीजिए। जो एक बार हम लोग मिट्टी प्लांट लगाते समय मिट्टी तैयार करते हैं, बस इसके लाइफ साइकिल के लिए वही काफ़ी होता है। वाटरिंग का बस खास ख्याल रखिए कि इसको ओवर वाटरिंग मत करिए। जब भी मिट्टी सूख जाए, देखिए ये मेरा मिट्टी जैसे ये सूख गया है, तो अभी दोपहर का वक्त है, तो मैं अभी वाटरिंग नहीं करूँगी, शाम को वाटरिंग करूँगी। तो मिट्टी जब इसका सूख जाए ऊपरी लेयर, तभी इसको वाटरिंग करिए, और वरना इसको वाटरिंग मत दीजिए, नहीं तो रूट रॉट हो जाएगा, इसमें फंगस भी अटैक कर देगा। वैसे तो इसमें मिली बग का प्रॉब्लम मैंने देखा है, मैं पर्सनली मिली बग का प्रॉब्लम बहुत फेस की हूँ कॉस्मोस में। तो हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, तो आपके वैसे सारे प्लांट के लिए ये होता है। तो मिली बग के लिए आप सोप वाटर या नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए हर 15 दिन में। और मैंने तो कॉस्मोस को कटिंग से भी ग्रो किया है, सीड से तो ये इजीली प्रोपगेट होता ही है, कटिंग से भी ये प्रोपगेट हो जाता है। जब प्लांट में कहीं, ये जैसे कि ये एक ब्रांच निकल रहा है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे तोड़ के इसको कटिंग ऐसे मिट्टी में गाड़ देंगे तो बहुत आसानी से ये प्रोपगेट हो जाता है, लग जाता है। ये देखिए हवा चल रहा है, कितना सुंदर ये फूल लग रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। बस लॉकडाउन में यही कर रही हूँ मैं, गार्डन में आती हूँ, निहारती हूँ अपने फूलों को और उनके बीच समय बिताती हूँ, तो अच्छे से समय बीत रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी करना, बताना कि क्या कमी है मेरे वीडियो में या क्या अच्छा लगता है आपको मेरे वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगी। कीप सपोर्ट फ्रेंड्स, बी सेफ, अच्छे से रहिए, हेल्दी से रहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।